हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इवांस वर्ल्ड में। आज मैं आपके साथ बैंगन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे देखते ही आप बनाना चाहोगे और इसे टेस्ट भी करना चाहोगे। आप देख सकते हो मेरी कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो बस चलते हैं रेसिपी की ओर। देख, इसके लिए हमें छोटे छोटे बैंगन लेने पड़ेंगे। ताज़े ताज़े बैंगन है, देख सकते हैं। और उसको मैंने बीच से कट कर लिया और उसके डंठल को थोड़ा छोटा कर दिया है। इस तरह से आप बैंगन को कट कर लें ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से अंदर तक जा सके और कीड़े मकोड़े भी देखे जा सके, कुछ है तो नहीं अंदर में बैंगन के। बस इस तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ, आप लोग भी कट कर लें। देख सकते हैं मेरा बैंगन बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सुथरा है, अंदर से सड़ा हुआ भी नहीं है। इसी तरह का बैंगन होना चाहिए, छोटे छोटे। इस रेसिपी के लिए छोटे छोटे साइज में ही बैंगन चाहिए। बस इन सबको कट कर लेना है। उसके बाद मैं इनको अच्छे से धो लूँगी पानी से। देख सकते हैं बैंगन मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से ठंडे पानी से धो लूँगी। ये मेरा फर्स्ट रेसिपी है जिसको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। बाकी सब बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया है। ये सब्जी बनकर बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। आप लोग इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। इसमें 2-4 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से कढ़ाई में लगा देंगे ताकि बैंगन चिपके नहीं। और सारे बैंगनों को 5 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मैंने ढक्कन से 2 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि तेल छिटके नहीं और बैंगन भी अच्छे से फ्राई हो। तो धीमी आंच में 5 मिनट तक बस बैंगनों को तल लें, हल्का सॉफ्ट कर लें बैंगन। बैंगन अब मेरे आधे तल चुके हैं। बस अब 1-2 मिनट तक और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद सारे बैंगनों को प्लेट में निकाल लूँगी। देख सकते हैं बैंगन आधे से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, ताकि बाद में जब ग्रेवी में डाले तो अच्छे से पक जाए बैंगन। इसलिए पहले ही थोड़ा ऑयल में इनको फ्राई कर लेना होता है। बस मेरे सारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं, मैं उसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब बस अब ग्रेवी बनाते हैं। फिर से उसी कढ़ाई में थोड़ा और ऑयल डालना है, थोड़ा ऑयल तो था ही। और फिर जीरा डालें थोड़ा, फिर थोड़ा लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, हरी मिर्ची, ये सब थोड़ा छटकने दें, फ्राई होने दें। उसके बाद महीन कटा हुआ प्याज मैंने डाला है, 4-5 बड़े प्याज डालने हैं आपको महीन कटे हुए, देख सकते हैं आप। इसे महीन मैंने चॉपर से चॉप किया है। और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट, पेस्ट कुचा हुआ है। मैं इस सब्जी को खड़े मसाले में ही बना रही हूँ, इसलिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। 2 मिनट हम फ्राई करेंगे ये सबको, प्याज लहसुन अदरक पेस्ट को। 1-2 मिनट तक ढककर भी पकाएंगे ताकि प्याज मेरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। फिर 2 मिनट तक पकाएंगे, प्याज को थोड़ी देर भूंजेंगे। प्याज को 2 मिनट तक पकाएंगे, लीड लगा देंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद 2 बड़े साइज़ में महीन महीन कटे हुए टमाटर डालेंगे। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं खड़े खड़े ही सब कुछ, सारे मसाले, प्याज टमाटर सब खड़े खड़े ही डाली हूँ, महीन महीन चॉप करके। इससे ज़्यादा स्वाद आता है। तो बस इसके बाद धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर,
ये सब मसाले डालेंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे थोड़ा भूनेंगे, मसालों को पकाएंगे। देख सकते हैं आप मेरे मसाले अच्छे से पक रहे हैं। ढक ढक के मैंने प्याज टमाटर मसाले सबको पका रही हूँ। मसाले देख सकते हैं इतने भून गए हैं और तेल भी छोड़ रहे हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पास्ता मसाला डाला है, इससे ग्रेवी का अलग ही टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। बस मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगी। देख सकते हैं मेरे मसाले कितने अच्छे से भून रहे हैं। इसको आपको लगातार चलाते रहना है ताकि मसाले चिपके नहीं कढ़ाई के तली में। सो अब मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें 1 से 2 गिलास पानी डाल दूँगी, देख सकते हैं, ग्रेवी के लिए। फिर उसके बाद कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, उसके बाद जो फ्राई किए हुए बैगन थे सबको डाल देना है बारी बारी से। और थोड़ी देर जब बॉईल आ जाए उसके बाद इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देख सकते हैं 10 से 15 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें, बीच बीच में बस चलाते रहें ताकि बैगन भी मेरा अच्छे से पक जाए और ग्रेवी भी सोक कर ले। और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी थी, बहुत ही टेस्टी सब्जी थी। देख सकते हैं आप, मैं बीच बीच में बस चला दे रही हूँ। मेरा सब्जी अब हो गया तैयार 10 से 15 मिनट बाद। फिर बंद करने के बाद उसको देखिए सर्व करना है। मैं एक बाउल में सर निकाल रही हूँ और तो मेरे बैगन भी बिल्कुल खड़े खड़े हैं। ग्रेवी भी बहुत ही थिक बनी है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। आप ज़रूर से इसे ट्राई करें और मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसे मैंने रोटी के साथ सर्व किया था। ये सब्जी रोटी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है, सो मैंने आज इसे रोटी के साथ ही चपाती के साथ बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।